नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जीवन जिंदगी और मृत्यु के बीच का एक अनमोल सफ़र है। जीवन जिंदगी और मृत्यु के बीच का एक अनमोल सफ़र है, फिर घबराना क्यों जब हर जिंदगी को मृत्यु का खबर है। दोस्तों, यह कहानी है एक सम्राट और गौतम बुद्ध की। एक बार एक सम्राट जिसके मन में यह अहंकार होता है कि वह दुनिया का हर कार्य कर सकता है, परंतु जब एक बार उसकी मुलाकात तथागत बुद्ध से होती है तो वह महात्मा बुद्ध से अपना परिचय देते हुए कहता है, हे महात्मा, मैं एक सम्राट हूँ, मुझ में इतनी ताकत है, इतना बल है, इतना ज्ञान है कि मैं हर कार्य को बड़े आसानी से कर सकता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने एक सम्राट बनकर भला कौन सा बड़ा कार्य कर लिया है। वह सम्राट कहता है कि आखिर मुझसे आप क्या करवाना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या तुम भिक्षा मांग सकते हो। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर सम्राट के दिल को बहुत चोट पहुंच रही होती है। इससे क्रोधित होकर वह सम्राट महात्मा बुद्ध से कहता है, ठीक है बुद्ध, आप जो चाहते हैं वह मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं अभी जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, किंतु हे राजन, मेरी एक शर्त है, तुम भिक्षा मांगने एक राजा के भेष में नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य के भेष में जाओ। राजा महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह साधारण मनुष्य के रूप में गाँव में भिक्षा मांगने के लिए पहुँच जाता है। वह गांव का हर एक दरवाज़ा खटखटाता है, हर एक घर से भिक्षा मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता है, बल्कि हर कोई उससे यही कहता था, अरे तू तो बड़ा अहंकारी है, तू भिक्षा तो ऐसे मांग रहा है जैसे तू कोई भिखारी नहीं बल्कि कोई राजा है और हम तेरे गुलाम हैं। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भिक्षा नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर राजा महात्मा बुद्ध के पास वापस लौट आया और उसने महात्मा बुद्ध से सारी बातें बता दी। इस पर महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, राजन अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध हाथों में भिक्षा पात्र लिए उस राजा को अपने साथ लेकर फिर गाँव की ओर बढ़ चलते हैं। वह गाँव के पहले ही द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आता है जो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डालता है। और इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध के पीछे वह राजा भी खड़ा था जिसे उस व्यक्ति ने उसको भी भिक्षा दी। इस पर महात्मा बुद्ध उस राजा से कहते हैं, देखा राजन, तुम जिस प्रकार के व्यक्ति के पीछे खड़े रहोगे अर्थात जिस प्रकार के व्यक्ति का संगत करोगे तब उस व्यक्ति का जो पुण्य या पाप मिलता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी अवश्य मिलेगा, जिस प्रकार अभी तुम्हें मेरे कारण भिक्षा प्राप्त हुई है। इस प्रकार अगर तुम्हें अपने जीवन में धर्म चाहिए, सुख और शांति चाहिए, भिक्षा चाहिए, तो तुम्हें विनम्र होना होगा, तुम्हें अपना अहंकार त्यागना होगा और अपने आप को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना होगा, अर्थात जो तुम हो तुम्हें वही होना होगा, तुम जो बन गए हो उसे छोड़ दो। राजा ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसी गांव के एक और दरवाजे पर गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। हालांकि राजा ने पहले भी उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी लेकिन तब उसे भिक्षा नहीं मिली थी। जैसे ही वह बूढ़ी औरत उस घर से बाहर आई, इस बार वह राजा बूढ़ी औरत से कहता है, हे माई, मुझे अपने गुरु के लिए कुछ भिक्षा चाहिए, क्या आप मुझे कुछ भिक्षा दे सकती हैं। इतना कहकर वह राजा घुटनों के बल बैठ गया। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे भीतर जाकर कुछ भोजन लाया और राजा के भिक्षा पात्र में रख दिया। उस भिक्षा को देखकर राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत खड़ा हुआ और उसने उस बूढ़ी औरत का माथा चूमा और उनका धन्यवाद किया और वह
थोड़ी सी भिक्षा लेकर महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचा। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु महात्मा बुद्ध को सौंपने जा रहा है। महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचकर वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे गुरुवर, मेरी तरफ से यह थोड़ी सी भिक्षा स्वीकार करें। महात्मा बुद्ध ने खुशी खुशी वह भिक्षा स्वीकार की और उस सम्राट से कहते हैं, हे राजन, इस दुनिया में हम बहुत कुछ होते हैं, अमीर गरीब, किसान व्यापारी, सन्यासी सम्राट, सुंदर बदसूरत, लेकिन हम में से कोई मनुष्य नहीं होता है, क्योंकि हम खुद को भूल बैठे हैं। एक सम्राट होना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बड़ा कार्य होता है मानव होना, मानवता को निभाना, अपने आप को जानना और जागरूकता में जीना। एक मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, किंतु हम अपने जीवन को भूल बैठे हैं और इसे बेवजह ही बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी को दोष देने में, किसी से नाराज होने में, किसी को नीचा दिखाने में या ऐसी बातें करने में जिनका जीवन से कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसे में हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेवजह ही खराब कर रहे होते हैं। दुखी होने का यदि किसी के पास सही वजह है तो उसे दुखी होना चाहिए। यदि किसी के पास चिंता करने का भी एक सही वजह है तो उसे चिंता भी करनी चाहिए, लेकिन लोगों को यह समझाने में अपना जीवन बर्बाद मत करो कि तुम क्या हो, क्योंकि लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। वह तुम्हें यह जरूर कहेंगे कि मैं तुम्हें समझता हूँ, किंतु दूसरे दिन वही तुमसे कहेंगे कि तुम मुझे नहीं समझते। यह समझने और समझाने का खेल यूं ही चलता रहेगा और इसमें अपना समय बर्बाद करना फिजूल है, क्योंकि इस प्रकार तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। यह इनकार और टकराव का जो खेल है, यह तो जीवन भर यूं ही चलता रहेगा, किंतु जो भी इसके पार जाएगा वही अपने जीवन को समझ पाएगा, वही अपने जीवन का सही उपयोग कर पाएगा और वही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। आगे महात्मा बुद्ध उस सम्राट से कहते हैं, हे राजन, यदि तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना ही है तो अपने आप को समझो, अपने आप को बेहतर बनाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, दरिद्रता, गरीबी मुझे पसंद नहीं। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह सम्राट भी अब अपनी गलतियों को जान चुका था। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने जीवन में अब तक कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया है, जिसके लिए वह आज तक अहंकार कर रहा था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और महात्मा बुद्ध की राहों पर आगे की ओर बढ़ चला। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन उपदेशों का पालन जरूर कीजिएगा। देखिएगा कि आपका भी मन शांति और सुकून से भर जाएगा। उसके बाद आपको किसी चीज़ का कोई दुख ना होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। दोस्तों, हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और वह है मृत्यु। हम जितना जीवन के लिए उत्सुक नहीं होते, हम उससे कहीं ज़्यादा उत्सुक मृत्यु के लिए रहते हैं। इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें मृत्यु के साथ जोड़ रखी हैं। हाँ, यह बात और है कि हम मृत्यु से डरते हैं, इसलिए हमने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी एक विश्वास बना रखा है। परंतु आप यह भूल रहे हैं कि मृत्यु जितना बड़ा रहस्य है, उससे भी कहीं बड़ा रहस्य यह जीवन है जो आप जी रहे हैं। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी चीज़ यदि है तो वह नष्ट हो जाएगी। यह इतना बड़ा रहस्य नहीं है, बड़ा रहस्य तो यह है, न जाने क्यों हम अपने जीवन को लेकर उत्सुक नहीं रहते, बल्कि हम मृत्यु को लेकर अधिक उत्सुक रहते हैं। क्योंकि जीवन तो हम जी रहे हैं, पर मृत्यु भविष्य में होने वाली घटना है। वह कैसी होगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में अक्सर आते रहते हैं, जिस कारण मृत्यु हमारे लिए जीवन से भी ज़्यादा रहस्यमय बन जाती है। और हम सभी इस वास्तविकता को जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी को मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन उसके बाद भी हम नासमझ बनकर बैठे रहते हैं। हम यह सोचते हैं
कि हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो अभी जवान हैं, हमारे पास तो अभी बहुत समय है, हम तो बुढ़ापे में ही मरेंगे। किंतु आप यह भूल रहे हैं कि आपके पास कोई भी ज़्यादा समय नहीं है। किसी के पास कितना समय है यह कोई नहीं जानता है। आप चाहे बच्चे हों या जवान हों या फिर बूढ़े हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आज से ही अपना जीवन जीना शुरू करें, क्योंकि जितना आप खुलकर जीवन को जिएंगे उतना ही आनंद आपको यह जीवन देगा। इस जीवन को जितना ज़्यादा समझ सकते हो उतना इसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि हमारे जीवन के बिल्कुल पीछे ही मृत्यु भी खड़ी है। मृत्यु का भी एक जीवन होता है, एक समय होता है। जब मृत्यु आ रही होती है तो वह भी एक समय होता है, जब मृत्यु घट रही होती है तो भी वह एक समय होता है, और जब मृत्यु हो चुकी होती है तो भी वह एक समय ही होता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा जीवन एक समय, हम यह जीवन जी रहे हैं, एक समय यह जीवन घट रहा है और एक समय हमारा यह जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। जिस प्रकार जीवन का एक समय होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु का भी एक जीवन काल है। पर हम नादान हमेशा केवल अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित रहते हैं, यह सोचते रहते हैं कि मृत्यु कैसी होगी, कब होगी और मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। इस चीज़ को लेकर हम भयभीत भी रहते हैं। लेकिन जो आज हमारे पास है अर्थात हमारा जीवन, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम तो केवल आने वाले उस घटना के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे साथ कब घटित होगा, जिसके बारे में हम नहीं जानते। और आज की इस कहानी में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गुरु रहा करते थे। उनका एक शिष्य भी था। वह शिष्य हमेशा ही भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में जाया करता था। एक दिन की बात है, वह भिक्षा मांगकर नगर से वापस लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया बहुत ही मनमोहक थी, जिसे देखकर वह शिष्य वहीं पर थम गया। उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। वह शिष्य खड़ा होकर उस चिड़िया को देख ही रहा था कि तभी अचानक उस चिड़िया की मृत्यु हो गई। एक जहरीले सांप ने उसे अपना निवाला बना लिया। यह देखकर वह शिष्य बहुत दुखी हुआ, उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। उस चिड़िया के लिए कुछ न कर सका, बस अपना शोक प्रकट करके वह वहाँ से आगे की ओर बढ़ चला। वह दुखी होकर जब अपने मार्ग से आगे बढ़ रहा था, तभी उसने कुछ ही दूर बाद देखा कि एक माँ अपने छोटे बच्चे की मृत्यु पर रो रही थी। रोते रोते उस माँ का बुरा हाल हो चुका था, लेकिन जब उस शिष्य ने उस बच्चे की ओर देखा जो मृत्यु सया पर लेटा था, उसका चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अभी उठकर बोल पड़ेगा, किंतु वह अब चुप हो चुका था। अब वह कुछ नहीं बोल सकता था और वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह चुपचाप आश्रम आया और वह दिन भर उदास भी रहा। उसके मन में हमेशा वही सारी विचार चल रहे थे, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ न कहा। अगले दिन फिर से वह भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के नगर में गया। जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहा था, तब उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी अंतिम सांस गिनते हुए देखा और वह भी अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। इन सभी चीज़ों से शिष्य का मन बहुत घबराने लगा था। उसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह मृत्यु क्या है और यह क्यों आती है। उसे अब मृत्यु से भय लगने लगा था। वह वापस आश्रम की ओर आ ही रहा था कि तभी उसने देखा आश्रम से कुछ ही दूर पर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, और लकड़ी काटते काटते अचानक उसका पैर फिसल गया और वह ज़मीन पर आ गिरा। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। आसपास के कुछ लोगों ने उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीते पीते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। यह देखकर शिष्य और भी भयभीत हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। भीतर से वह बहुत दुखी हो चुका था। उसके सामने यह सारी घटनाएं घट रही थी। सभी घटनाओं को लेकर
उसके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह बहुत दुखी भी था और वह इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहता था। इसलिए वह किसी तरह अपने आश्रम पहुंचा। गुरुवर ने जब अपने शिष्य को इस प्रकार दुखी देखा तो वह अपने शिष्य से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम कई दिनों से मुझे दुखी नज़र आ रहे हो। मैंने तुम्हें हमेशा हंसते खेलते देखा है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ना तो तुम ढंग से खाते हो, ना ही पीते हो और ना ही चैन से सोते हो। हमेशा बस उदास और दुखी ही नज़र आते हो। भंते, दुख तुम्हारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। इस पर उस शिष्य ने अपने गुरुवर से वह सारी बीती हुई बातें, वह सारी घटनाएं बताता है और अपने गुरु से प्रश्न करता है। हे गुरुवर, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन केवल अपने परिवार के लिए ही जीता है। वह अपने परिवार के लिए खुशियां बटोरना चाहता है। वह चाहता है कि उसके परिवार को कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो और इसके लिए उससे जो बन पड़ता है वह सब करता है। वह उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, अथक परिश्रम करता है, लेकिन अचानक एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हम सभी जन्म लेते हैं और हम सबका जीवन मृत्यु तक जाता है, पर मृत्यु तो बुढ़ापे में आती है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह से बचपन में ही क्यों मर जाते हैं? कुछ लोग अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु हे गुरुवर, मृत्यु तो बुढ़ापे में आनी चाहिए और सबकी मृत्यु बुढ़ापे में ही तो लिखी है। फिर आखिर कुछ लोग इस तरह समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त क्यों हो जाते हैं? इन सभी का क्या कारण है? गुरुवर ने अपने शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह अपने शिष्य से कहते हैं, इस दुनिया में कभी भी कोई भी समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस मृत्यु का बुढ़ापे से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। संबंध कर्म और नियम से बंधा है। नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी जो भी प्रकट हुए हैं, जिसका भी जन्म हुआ है, जो बना है, उसके जन्म के साथ ही उसके दो जीवन चलते हैं। अर्थात हम एक ओर जीवन जीते हैं तो दूसरी ओर मृत्यु जीते हैं। गुरुवर की यह बातें सुनकर वह शिष्य थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया और वह गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो मनुष्य हैं और हम अपना जीवन ही तो जी रहे हैं और जीवन के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद भला कौन जीता है। किंतु आप कह रहे हैं कि हम जन्म के साथ दो जीवन जीते हैं। यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। कृपया करके साफ साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर गुरुवर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसकी ओर इशारा करते हुए गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम यह लकड़ी देख रहे हो? इस पर शिष्य कहता है, हाँ गुरुवर, मैं यह लकड़ी साफ और स्पष्ट देख पा रहा हूँ। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस लकड़ी को अपना जीवन समझो और अभी यह लकड़ी पूरी है, किंतु अब मैं इस लकड़ी को एक तरफ से आग लगाने जा रहा हूँ। और इतना कहकर गुरुवर ने उस लकड़ी की एक सिरे पर आग लगा दी और फिर उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, यह जो आग है यह जीवन है। इस जीवन की आग में हमारा जीवन लगातार जलता ही रहता है। और उस आग की ओर इशारा करते हुए वह उस शिष्य से कहते हैं, इस आग की तरह इस लकड़ी की तरफ देखो। यह लकड़ी किस प्रकार जलकर छोटी होती जा रही है। वह शिष्य उस लकड़ी की तरफ ध्यान से देखने लगता है। धीरे धीरे उस लकड़ी का एक सिरा तेजी से जलता रहता है और वह जलते जलते आखिरकार वह लकड़ी एक छोटे आकार की हो जाती है। इस पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यह जितना हिस्सा इस लकड़ी का जल चुका है यह मृत्यु का जीवन है और यह तो जितना हिस्सा अभी बचा हुआ है यह हमारा जीवन है जिसे हम जी रहे हैं। किंतु धीरे धीरे लकड़ी का यह जो बचा हुआ हिस्सा है यह भी जलकर राख हो जाएगा और हमारा जीवन और भी छोटा हो जाएगा। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और यही समय होगा जब मृत्यु पूरी हो जाएगी। अर्थात एक और जीवन मृत्यु की ओर यात्रा करता है
और दूसरी ओर मृत्यु जीवन की ओर यात्रा करती है। अपने गुरु के मुख से यह सब सुनकर वह शिष्य गुरु से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, परंतु जन्म के साथ ही जीवन मृत्यु की ओर और मृत्यु जीवन की ओर बढ़ता है, परंतु कुछ लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ना तो वह मृत्यु की ओर पूरी तरह बढ़ पाते हैं और ना ही मृत्यु उनकी ओर पूरी तरह से आ पाती है। वह जन्म से बुढ़ापे तक का सफ़र भी नहीं कर पाते, बल्कि किसी दुर्घटना में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वह कोई भी हो सकता है, वह बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, कोई भी मृत्यु दुर्घटना नहीं होती। जो जैसे और समय और जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना है वह वैसे ही होगा। यह सब तो कर्मों का खेल है। हमारे कर्म का हिसाब बराबर करने का काम करते हैं। कुछ लोग आरामदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो कुछ बहुत कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ जीवन भर दुखों में जीते हुए अंत में जाकर बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो कुछ लोग मृत्यु की कामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ लोग बहुत छोटा सा जीवन जी पाते हैं और उनमें से वह सुखी भी रहते हैं, और कुछ लोग जीवन की शुरुआत करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और जो लोग बहुत लंबा जीवन जीते हैं वे लोग उसमें अपनी समझ का विकास करते हुए अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करते हुए चलते हैं और अच्छे कर्मों के प्रभाव को बढ़ाते चलते हैं, जिस कारण उन्हें एक अच्छा जीवन मिल पाता है। वे लोग अपने बुरे कर्मों के कारण अपनी चेतना को अच्छी तरह समझ पाते हैं, उन्हें निखार पाते हैं, और ऐसी चेतना हमेशा उन्हें बुराइयों से बाहर आने में उनकी मदद करती है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी चेतना भी होती है। मनुष्य की चेतना को निखारने के लिए दुख और दर्द आते ही रहते हैं, और अपना जीवन कितना लंबा चलेगा यह आपके कर्म निर्धारित करते हैं। यहाँ इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों से ही चल रहा है, कुछ भी इधर उधर अपने आप नहीं चल रहा है। हर किसी के आने और जाने का समय पहले ही निर्धारित है। सिर्फ वही लोग अपना समय खुद से निर्धारित कर पाते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त कर पाते हैं। वो लोग प्रकृति के इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे गुरु अपने शिष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं, किंतु एक बात और याद रखना, जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं वह प्रकृति के बंधन से छूट तो जाते हैं, किंतु वह कभी भी प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं करते। शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, किंतु हे गुरुवर, यह तो अन्याय ही हुआ। कोई मनुष्य है जो बुढ़ापे तक अपना जीवन जीता है और कोई बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस पर गुरुवर कहते हैं, भंते, चलो पहले भोजन बना लेते हैं। आगे वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, पहले थोड़ा आटा लो और उसमें बिना पानी मिलाए उसे गूंदने का प्रयास करो। इस पर वह शिष्य उन गुरु से कहता है, किंतु गुरुवर, बिना पानी के मैं आटा कैसे गूंद सकता हूँ? बिना पानी के रोटियाँ कैसे बनेंगी? यदि आटे को गूंथना है और रोटियाँ बनानी है तो उसमें पानी तो मिलाना ही पड़ेगा। इस पर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, तुम पानी मिला लो और आटा को गूंद लो और उसकी रोटियां भी बेल लेना, लेकिन उसे तवे पर मत डालना वरना उसे कष्ट होगा, उसे जलन होगी। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, जब तक मैं रोटियां बेलूं नहीं, उन रोटियों को तवे पर न डालूं, तब तक भला रोटियां कैसे बनेंगी, हमारा पेट कैसे भरेगा? यदि हमें रोटियां खानी है तो मुझे यह सब तो करना ही पड़ेगा। इस पर गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मैं भी तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह प्रकृति हमारे साथ कुछ ऐसा ही तो करती है। हमारे बुरे और अच्छे कर्मों के आधार पर हमें गूंदा जाता है, हमें दुख और दर्द के तवे पर डालकर तैयार किया जाता है, ताकि हम वह हो सकें जो हमें होना चाहिए। जिस प्रकार एक आटे और एक रोटी में फर्क होता है, ठीक उसी प्रकार समय आने पर हम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, ताकि हम अपने सही रूप को प्राप्त कर सकें।
सही आकार में ढल सकें। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किंतु अब भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस पर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? इस पर वह शिष्य गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने देखा है जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, वह भी तो जल्द ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, जबकि बुरे और अपराधी जो लोग को कष्ट देते हैं, जो लोगों को पीड़ा देते हैं, उनका जीवन बहुत लंबा होता है। क्या यह अन्याय नहीं है? इस पर वह गुरुवर जोर से हंस पड़ते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, बंते, इस बात का कोई अंत नहीं है। तुम सवाल पूछते जाओ और मैं तुम्हें उत्तर देता जाऊँ। इसका एक ही समाधान है कि तुम इसे अपने आप से, अपने अंतर ध्यान से, अंतर मन से समझने का प्रयास करो। इसे अपने आप से जानो और इसके बाद जो तुम्हें पूछना होगा तुम पूछ सकते हो, उसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मनुष्य के इस शरीर को लंबी अवधि तक चलाना हमारा मकसद कभी नहीं था, और हम तो इस धरती पर एक मकसद के लिए आते हैं, और जैसे ही मकसद पूरा हो जाता है हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है और हम वापस लौट जाते हैं। जैसे कुछ मजदूर कोई मकान बनाते हैं, मकान बन जाने के बाद उनका कार्य पूरा हो जाता है और फिर वहाँ से उन्हें जाना ही पड़ता है, इसी प्रकार कर्म और नियमों के आधार पर हम अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। हम अपने मकसद को पूरा करते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तब हमें यहाँ से जाना ही पड़ता है, और इसके लिए हमारा जीवन बड़ा हो या छोटा है यह मायने नहीं रखता। इस पर वह शिष्य गुरुवर से एक बार फिर प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, अभी अभी आपने कहा कि हम एक मकसद के लिए आते हैं और जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है तो हमें यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन जो हम बुरे कार्य करते हैं, जो हम बुरे कर्म करते हैं, क्या वह भी प्रकृति का कोई मकसद है जो हमारे द्वारा पूरा करवाई जाती है? इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं होता, वह तो तुम्हें सबसे बेहतर बनाने की चेष्टा में लगी रहती है। जब उसे लगता है कि तुम्हें गूंद कर रोटी बना देनी चाहिए तो वह अवश्य ही ऐसा करती है, और अगर आटा ही खराब हो, अर्थात यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे, तब तुम्हारे द्वारा तुम्हारा मकसद पूरा कैसे करवा सकती है? तब वह तुम्हें सुधारने में लग जाती है और वह तुम्हारे द्वारा ऐसे कर्म करवाती है ताकि तुम समझ सको कि तुम किस मकसद के लिए इस धरती पर आए हो, और इसके लिए वह तुम्हें दुख और तकलीफ़ें भी देती है। ज़्यादा दुख और ज़्यादा तकलीफ़ें उसी को मिलती हैं जो ज़्यादा सुख पाता है, इसलिए प्रकृति का अपना कोई मकसद नहीं होता, वह तो केवल तुम्हें सही राह पर लाना चाहती है। वह तुम्हें समझाने की कोशिश में लगी रहती है कि तुम्हें अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, तुम्हें सुधारने की आवश्यकता है, किंतु हम तो दुख और सुख में कुछ इस प्रकार लिप्त हो जाते हैं कि हम अपना मकसद कभी ढूंढ नहीं पाते। इस पर वह शिष्य गुरुवर से एक और प्रश्न करने की अनुग्रह करता है, लेकिन वह गुरुवर कहते हैं, भंते, मैंने तुमसे पहले कहा अगर मैं इस तरह तुम्हें जवाब देता जाऊँ तो तुम्हारे प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए तुम ध्यान करो और खुद से ही जान लो, और उसके बाद जो भी तुम्हारे प्रश्न होंगे मैं उसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर वह गुरुवर वहाँ से चले गए और वह शिष्य उन गुरु की बातों को मानकर अब रोज ध्यान करने लगा। वह शिष्य को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जो भी उसके मन में प्रश्न हैं वह उसे ध्यान से ही मिलेंगे, खुद को जानने के बाद ही मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि जीवन छोटे या बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लंबी उम्र वाला व्यक्ति भी, अर्थात एक लंबे जीवन जीने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पाया, और वहीं पर एक छोटे जीवन वाला व्यक्ति भी अपने जीवन के अंतिम समय पर यही कहता फिरता है। परंतु जो छोटे से जीवन में भी उतना कर लें जो एक व्यक्ति अपने बड़े जीवन में ना कर सका हो, तो उसका छोटा सा जीवन भी
सफल हो जाता है। मृत्यु अनिश्चित है और यह कभी भी आ सकती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आपको तो यह सोचना ही चाहिए कि आप बहुत ही खास हो, क्योंकि जिस प्रकार हमें जन्म के साथ हमारी सांसें मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार हमें जन्म के साथ हमारी मृत्यु भी मिलती है, और मृत्यु ही हमें सही सांचे में ढालती है, हमें एक नए जीवन की ओर ले जाती है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अपनी वजूद पर इतना इतरा ना है जिंदगी, कि अपनी वजूद पर इतना इतरा ना है जिंदगी, वह तो मौत है जो तुझे मोहलत देती जा रही है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक देकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।